राजधानी दिल्ली में इस समय तबलीगी जमात के लगभग 2000 लोग विभिन्न क्वारंटीन सेंटरों में रह रहे हैं। उनके क्वारंटीन सेंटर में रहने का समय 14 दिन पूरा हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है। सरकार के इस रुख को लेकर तबलीगी जमात के लोगों में काफी नाराजगी है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट किया है, तबलीगी जमात के सभी लोगों को उनके गृह राज्यों में भेजने की व्यवस्था की जा रही है। जल्द ही सबको उनके घरों में भेज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस कोशिश के बाद अभी तक लगभग 1200 जमातियों को उनके गृह राज्य भेजा जा चुका है। आज भी गई विशेष ट्रेन तबलीगी जमात के मरकज कार्यक्रम में पूरे देश से आए लोग शामिल थे। इसमें तमिलनाडु से भारी संख्या में लोग शामिल हुए थे। आज शनिवार को 680 जमातियों को लेकर एक विशेष ट्रेन तमिलनाडु के लिए रवाना हुई है। इन्हें उसी समय क्वारंटीन कर दिया गया था जब कोरोना संक्रमण के मामले में तबलीगी जमात का नाम प्रमुखता से सामने आया था। आरोप है तब से अब तक 45 दिन के क्वारंटीन सेंटरों में रहने के बाद भी उन्हें मुक्त नहीं किया जा रहा। ये जमाती दिल्ली के सुल्तानपुरी और नरेला क्वारंटीन सेंटरों में रह रहे थे। दो दिन पहले एक विशेष ट्रेन के जरिए लगभग 150 जमातियों को जम्मू कश्मीर भेजा गया। ये लोग लगभग 40 दिन से बवाना और नरेला क्वारंटीन सेंटरों में रह रहे थे। जम्मू कश्मीर प्रशासन और दिल्ली सरकार में सहमत बन जाने के बाद एक विशेष ट्रेन से इन्हें जम्मू के लिए रवाना कर दिया गया है। अब तक कुल 1200 जमातियों को देश से अलग अलग हिस्सों में विशेष ट्रेन और बसों के जरिए भेजा जा चुका है। इसमें से उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल के तबलीगी जमात के लोग शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के अलग अलग क्वारंटीन सेंटरों में अभी भी लगभग 2000 तबलीगी जमात के लोग रह रहे हैं। ये देश के अलग अलग राज्यों से हैं, जैसे कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वी राज्यों के शामिल हैं। दिल्ली के क्वारंटीन सेंटरों में तबलीगी जमात के लोगों के ज्यादा दिन रोके जाने की वजह से लोगों में आपत्ति जताई थी। दिल्ली की सरकार की इसकी शिकायत पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन लोगों को इनके घरों भेजे जाने की रणनीति बनाने का सुझाव दिया था। इसके बाद इन लोगों के संबंधित राज्यों में आपसी तालमेल हो जाने के बाद इन्हें लगातार इनके गृह राज्य व इनके घर भेजा जा रहा है। ऐसे न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप न्यूज पढ़ना चाहते हैं तो भारतnewshindi.com पर जाकर न्यूज पढ़ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।